subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये हमारे यहाँ आर्ट थेरेपी भी होता है, तो जो भी है बच्चे पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं। ये बात तो नोट करो कि होम इज देयर इन एवरी पेंटिंग। हम वो चीज़ों पे ट्रेनिंग देते हैं जो उसका मार्केट में उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने ये सीखा ओवर पीरियड, जैसे हमने उसको प्लम्बिंग का ट्रेनिंग दे दिया, इलेक्ट्रिकल का दे दिया, घर में कोई घुसने नहीं देता है, कहीं यहाँ कटा हुआ है, चेहरे से वो लग जाता है कि वो कंफर्टेबल, पीपल आर नॉट कंफर्टेबल। अब हम उनको वही ट्रेनिंग देते हैं जिसको सड़क पे काम मिले, हाउसकीपिंग सड़क पे मिलेगा, खाना ढाबा फूड सड़क पे मिलेगा, वहाँ कोई जात समाज धर्म नहीं पूछता है। अभी तो पिछले 2-3 साल से नहीं है, बट काफ़ी 74-75 हॉस्पिटल में है, दे आर मोर सिवियर पेशेंट्स जी, उनका रिहेबिलिटेशन कैसे कराएं कि मैंने दे हैव टू बी टॉट हाउ टू बी फिजिकली ऑक्यूपाइड। मैं आपको दिखाता हूँ सर, एग्जैक्टली वी आर डूइंग द सेम थिंग। अच्छा, जो यहाँ आता है वो आता है थ्रू द जोनाइट बोर्ड। अच्छा, अब जब ये आ गया उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका सारा चेकअप होता है, बच्चे ही इनको टूर दिलवाते हैं कि तुम्हारे साथ कोई वायलेंस नहीं होगा, तुम्हारा कोई मारपीट नहीं होगा। जो बच्चे जब रिसीव हम करते हैं उसको वेलकम किट दे देंगे, वेलकम किट में उसका सारा टॉयलेटरीज आइटम होगा, टूथब्रश होगा, पेस्ट होगा, है ना, और उसके जो भी अंडर गारमेंट्स और कपड़ा वगैरह वो होगा। फिर उसका इनिशियल इंटेक हो जाएगा, इनिशियल इंटेक में हम उसका सारा ब्यौरा ले लेते हैं पहली बार में, कि आपके घर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पीयर्स कितने हैं, पीयर्स का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, है ना, पीछे आपने क्या क्या ड्रग लिया है, आप भी मतलब स्कूल में कब ड्रॉप आउट हो गए, ये सारा उसमें आ जाता है। फिर ड्रग असेसमेंट टेस्ट, एक एविडेंस बेस्ड किट है हमारे पास, जिसमें यूरिन ड्रॉप डालने से हमें पता चल जाता है कि वो कब से ले रहा है। जब फैमिली आ जाती है तो आज फैमिली काउंसलिंग हो रहा है, लीगल काउंसलिंग है कि आपको लीगल एड क्या क्या मिल रहा है फ्री में, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हमारे लिए ये सुविधाएँ हैं। नो क्राइम ओनली नशा, तो अपना दिल्ली गेट आपके अंडर, नो नशा बट क्राइम वो होम में चला गया, दोनों हुआ तो यहाँ। ये सारे थेरेपी से एक आध दो हम आपको दिखाएंगे, आर्ट थेरेपी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ऑक्यूपेशन, योगा, इसके बाद ये है क्योंकि बच्चे हैं, लाइफ स्किल एजुकेशन, लाइफ स्किल कम है तभी तो वो उस स्थिति में है। एक दूसरा जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये भी बहुत, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। जब यहाँ से निकलने लगते हैं तो वी हैव टू, दिस इज वेरी क्रिटिकल, लिंकेजेस विद सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ, फिजिकल फॉलोअप, हाँ, एंड जाके विजिट करते हैं और टेलीफोन फॉलोअप। आपके अनुजय और मेरे अनुजय भी, यदि किसी को आपको परमानेंटली सुधार के रास्ते पे रखना है तो उससे फॉलोअप अनिवार्य है। 100% कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच सर, ये थेरेप्यूटिक ज्यूरिसप्रूडेंस का ये कार्डिनल प्रिंसिपल है, जो लोग ड्रग एंड क्राइम में हैं उनके लिए है। ये हमने अपने लिए नियम बनाया है कि बच्चा बच्चे को नहीं हार्म करेगा, स्टाफ बच्चे को नहीं हार्म करेगा। हाँ, बहुत जरूरी है तो बच्चा, और इस पे हम हर 3 महीने पर ट्रेनिंग करते हैं। माँ बाप से एक दो सवाल जिसके हैं, माँ आए हुए हैं, कुछ बच्चे में फर्क दिख रहा है, हाँ या ना? बहुत दिख रहा है। अच्छा, चलो, अच्छा अच्छा लगा इनको देख के कम से कम। जैसे ना सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो व्हेन यू क्लाइंब अ सांप सीढ़ी, तो जैसे यहाँ पे आई सीढ़ी चढ़ने से पहले तो उनसे पूछे, नशा करने वालों से दूर रहना चाहिए हाँ या नहीं? तो ही विल से यस, हाँ मुझे दूर करना चाहिए। तो ही स्पीकिंग दिस इन प्रेजेंस ऑफ दोज पीपल्स हू फोर्स हिम टू कम इन टू, तो यू नो यू आर एबल टू गेट दैट कॉन्फिडेंस टू से नो। 3:30 to 5:30 दैट टाइम जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, दे आर अलोन इन द हाउस, बुलिंग भी होती है, तो उसमें एंड इट एंड्स विद जनगणमन। तो वहाँ ये बड़ा हमारा बहुत सक्सेसफुल मॉड्यूल था, वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, ये डाइस था, ये जो ऐसे करके फेंक तो देना। मैंने यहाँ खाना बनाना सीखा, जावेद पहली बार गुस्सा कंट्रोल करना सीखा, जो बाहर की दुनिया में नहीं सीख पाया था। SPM का धन्यवाद। ये लाइब्रेरी है सर, CL प्रोग्राम चलता है जिसमें लिटरेसी, लाइब्रेरी और लाइफ स्किल। हाँ, लिटरेसी में जैसे लिटरेसी में बच्चों को नाम लिखना सबसे पहले, क्योंकि नशे के दौरान ही सब नाम लिखना भूल जाते हैं। अच्छा। जितनी भी एजुकेशन होती है सब भूल जाते हैं, तो सबसे पहले इनको नाम लिखना सिखाते हैं। तो योर ब्रेन का जो साइज है, जैसे जो 18 साल में आपको होना चाहिए वो 9 साल के टाइम का, इस तरह। इट्स वेरी डेंजरस। ये सर हर बच्चे की अपनी कहानी है, मेरी भी सुनो।
अच्छा यार। अच्छा, जो बच्चा जितना किताब इशू करवाता है उसको नेक्स्ट डे बोलना होता है पूरी तरह। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये असेसमेंट्स ही हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जी वाला जो है, जैसे ये है और ये काउंसलिंग रिपोर्ट है, ये असेसमेंट्स हैं, इनसे पता चलता है एप्रोप्रिएट आंसर ठीक दे रहा है, फॉर्म ठीक आंसर दे रहा है। ये तो बेसिक हो गया स्ट्रक्चर 10 पॉइंट का। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्रेस होता है, काउंसलिंग रिपोर्ट, द चाइल्ड वेंट टू स्कूल बट डिड नॉट अटेंड ट्यूशंस अलोंग विद हिज सिस्टर। अच्छा, ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है आपने। अगर बच्चा फर्स्ट टाइम पे आया है तो अलग असेसमेंट्स हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट असेसमेंट दूसरे है, इस तरीके से। कब होते हैं नेक्स्ट असेसमेंट? 15 डेज पे, क्योंकि 15 डेज पे बच्चे 3 महीना यहां रहते हैं बच्चे। ये सेंटर जब हमारे को मिला तो मैं यहाँ पे आया। He was one of the first stars. 9 बच्चे लेके आए थे हम। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे, ठीक है ना? भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे और खूब तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें दे। सोचो सर, बस आपका एक छोटा फीडबैक चाहिए। ब्लेसिंग चाहिए। आज तारीख क्या है? 18 है। लंदन वो आए थे, आते सब दुनिया से लोग आते रहते हैं हमारे पास सीखने के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर सच अ लवली गिफ्ट। थैंक यू, वेरी गुड, जो ने बनाया बहुत बढ़िया। थैंक यू, जीवन बदल जाता है। डॉक्टर साहब जी, हमें ये साड़ी की साड़ी ना फ्रेम करवानी। ठीक है सर, अपने यहाँ लगाएंगे ऑफिस में, इनको नीचे दिखेंगे। तो आपका बहुत योगदान है इनमें, जो बच्चों में देख रहा है ना। ये जो बैठे हुए थे ना, कोई भी फिजिटी नहीं था, दे वर सिटिंग वेरी कामली, अमेजिंग, फैंटास्टिक। Pleasure meeting you. Sorry.